नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार ने 1986 के बाद 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। मानव संसाधन मंत्री द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक अंतर देखने को मिलेगा। कि आप स्टूडेंट हैं या उनके माता पिता हैं, आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। बच्चे खेल खेल में ही पढ़ सकेंगे, स्कूल बैग्स का भार कम हो जाएगा। चाइना की तरह बच्चे छठी क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकेंगे और तो और इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। कॉलेज में एंट्री के बाद अर्ली एग्ज़िट की सुविधा भी रहेगी। 1 साल के एग्ज़िट पर सर्टिफिकेट, 2 साल के एग्ज़िट पर डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री और 4 साल पूरे करने पर रिसर्च का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 5वीं क्लास तक बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकेंगे। किताबों का बोझ कम हो जाएगा। करिकुलम पहले से बहुत कम हो जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा। शिक्षक बनने के लिए 4 साल की बीएड जरूरी रहेगी। शिक्षकों को भी समय समय पर ट्रेनिंग अनिवार्य रहेगी। मैं आपको इन सब की जानकारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हाइलाइट्स बहुत ही संक्षिप्त में बताती हूँ। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होगी जिससे सभी फंडामेंटल राइट्स, मॉरल ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट कर सकें और हमारे बच्चे देश दुनिया में कहीं पर भी किसी भी भूमिका में खड़े उतरें। NEP के प्रिंसिपल्स हैं इक्वालिटी और सभी को साथ लेके चलना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4 में। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगी। डिग्री कोर्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा रहेगी। MPhil प्रोग्राम को समाप्त कर दिया जाएगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। 5वीं कक्षा तक या फिर प्रेफरेबली 8वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। 6th स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल ट्रेनिंग्स उपलब्ध कराई जाएंगी। 8th क्लास से ही स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकेंगे। HECI एक सिंगल बॉडी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, ओपन या डीम्ड, वोकेशनल आदि का सेम ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। एग्जाम्स साल में 2 बार होंगे, यानी सेमिस्टर सिस्टम। सभी सब्जेक्ट्स के कुरिकुलम को बेयर मिनिमम कर दिया जाएगा। बुक्स पर डिपेंडेंसी कम से कम होगी। शुरू के पढ़ाई के वर्षों में टीम वर्क, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा पर, म्यूजिक पर और खेल पर, सेल्फ आइडेंटिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरीज को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल बैग्स का वजन कम किया जाएगा और बैगलेस डेज भी फिक्स किए जाएंगे। स्पेशल चिल्ड्रन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को छात्रों के समग्र विकास के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोज़ की मिलती रहें।